हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीसी सर्टिफिकेट के बारे में। एनटीसी सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर जो बच्चे या जो भी लोग आईटीआई करते हैं तो उनको एक डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर एनटीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या वो डिप्लोमा ही होता है या उसको डिप्लोमा ही बोला जाता है? तो इस बात को लेकर कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि एनटीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या उसके हम डिप्लोमा बोलते हैं या उसका डिप्लोमा कुछ और होता है या जो डिप्लोमा हमें अलग से मिलेगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनटीसी सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आईटीआई में हमें दाखिला लेना होगा, एडमिशन लेना होगा। जो आईटीआई हमारी 2 साल की होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब आईटीआई का फर्स्ट ईयर आप पास करोगे तो आपको मार्कशीट मिलेगी फर्स्ट ईयर की। फिर सेकंड अगर एनुअल है तो आपका, अब जैसे कि एनुअल हो चुका है और सेकंड ईयर पास करोगे तो सेकंड की आपको मार्कशीट मिलेगी। मार्कशीट मिलने के बाद आपको क्या होता है, आईटीआई का डिप्लोमा मिलता है। आईटीआई का जो डिप्लोमा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अब वो ऑनलाइन मिलने लगा है। अगर आप आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उससे रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका डिप्लोमा डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। और डाउनलोड करने के बाद हमें होता है कि कोई अगर कोई भी हम जॉब के लिए फॉर्म यदि कोई भी हम जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी रेलवे का फॉर्म निकला है और आईटीआई मांगी हुई है या कोई भी फॉर्म है उसके अंदर आईटीआई मांगी हुई है तो उसके लिए हम क्या है, उसका डिप्लोमा अटैच करना होता है। तो जो डिप्लोमा उसे कहाँ से अटैच होता है, वो डिप्लोमा हमें कहाँ से मिलेगा, उसको कहते हैं उसी को हम आईटीआई का डिप्लोमा बोलते हैं, जिस बेस पर हम कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एनटीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आपकी दोनों मार्कशीट आ जाती हैं तो उसके बाद एनटीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। एनटीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप उसे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई रेलवे में फॉर्म निकला है या फिर किसी और में फॉर्म निकला है, किसी और जॉब में फॉर्म निकला है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनटीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो इसकी ज़रूरत हमें कहाँ होती है, अगर कोई भी हम फार्म भरते हैं, कोई भी हम सरकारी नौकरी का फार्म भरते हैं, उसके लिए हमें एनटीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जिसको हम कई जगह या हर हिस्से में उसको क्या डिप्लोमा बोल जाता है, कहते हैं, जैसे कहते हैं कि हमने आईटीआई का डिप्लोमा किया हुआ है, तो एनटीसी सर्टिफिकेट को ही हम डिप्लोमा कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है कि उसकी है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो आपकी मार्कशीट और आपके डिप्लोमे के ऊपर लिखा होता है, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। और एनटीसी सर्टिफिकेट के बारे में आप और जानने के लिए गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ मैं इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूंगा, जो एनटीसी सर्टिफिकेट को ही डिप्लोमा कहते हैं इस प्रूफ के लिए। अगर आपके भी मन में कोई डाउट है कि एनटीसी सर्टिफिकेट ही डिप्लोमा होता है तो ये डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। एनटीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी जॉब का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आसानी से। पहले क्या होता था, 2013 से पहले जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यानी एनटीसी आने में 2-3 साल लग जाते थे, उससे पहले आपको सिर्फ उसका प्रोविजनल दिया जाता था जिसके बेस पर आप कोई भी फॉर्म भर सकते थे। लेकिन कई कई जगह पर एनटीसी सर्टिफिकेट ही मांगा जाता था जिसकी वजह से प्रोविजनल नहीं चलता था। तो अब सरकार ने क्या किया है, अब आप सीधे ही आपका रिजल्ट आते ही 10-15 दिन के अंदर अंदर एनटीसी सर्टिफिकेट या आपका डिप्लोमा डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो बस इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताना चाहता था। धन्यवाद।